think you None did. of us. No. I don't think so. I don't think Mujhe to yaad hai. Okay. Me. Yeah. I'm an overthinker. Okay. एंड ऐसा कभी हुआ है कभी कुछ आगे हाँ हुआ है और आई जस्ट गिव अप एंड ही इज लाइक या मैं जीत ही जाता हूँ हमेशा ओके Shut up, Nana Pass. We both are bad dancers. Better than you. इधर ऐसे बोले cast तो मस्त एकदम चुन चुन के किया है. नहीं नहीं सबको पता है सब देख रहे. या obviously. ये थोड़ा थोड़ा है बेटर डांसर नहीं ये डांस मूव्स के बीच में डांस के सीन्स के बीच में मार देती है मुझे हाँ, हाँ, कहीं हाथ मार देती है गलती कुछ, से हाँ तो वही तो ऐसे कौन हाँ, डांस करता है कुश्ती खेलने आई हो मी हाँ मतलब मैं तो रहता ही हूँ ये तो रहता है मैं ड्राइवर है ऑब्वियसली ओके No. No, touch wood, it hasn't happened yet. अब तक तो नहीं. अब तक तो नहीं. Okay. अभी दो तीन साल में ही हो जाएगा. अभी खाना बनाने की बात कर रहे हैं. तो मैं बना सकती हूँ पास्ता. पास्ता. वो भी ready to make वाला. No. I'll cook for you and I'll get it. हाँ. मैं बहुत काम इंसान हूँ मैं बातों बातों में निपटा लेता हूँ बट नो वन हाँ अभी देखा आपने मैं सोती नहीं हूँ जब आया था 3 साल पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रॉ था और यू नो मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो इनोसेंस था अंदर की यार एवरीथिंग अगर ये दीवार अगर कोई बोलेगा ये दीवार नहीं है ये पहाड़ी है तो मैं वो मान लेता था तो आई थिंक यू नो वो भी एक फेस था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा इनोसेंस था बहुत ज़्यादा चाम वो अब इसके अंदर है हाँ अब वो मुझे पता है वो दीवार है कोई बोलेगा तो भी मैं उसको बता दूंगा नहीं भाई दीवार है लेकिन ये अभी वैसी है जैसे मैं हुआ करता था सो आई सी दैट थिंग इन हर तो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई सेल्फ लुकिंग एट हर तो वो चीज़ बहुत अच्छी है उसकी बहुत ऑनेस्ट है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और बहुत सिंपल है लाइक आई डोंट सी हर यू नो गेटिंग इन टू सच थिंग्स जो ऐसे सामने वाला इंसान देख के बोले कि यार ये क्या कर रही है गधी तो है बट चलो ठीक है यू नो द वे ही इज़ विद एवरी वन ही इज़ The way his parents have brought him up is commendable. I mean, uncle, auntie, love you. The way he is like happy-go-lucky hai, sabke saath acha hai. He's caring. You know, kabhi mujhe bol deta hai ki Anagha, you just do this, that. To choti-choti jo cheeze hoti hai, I feel that I can. The great, I would say, proposal scene. हाँ. Proposal scene था वो थोड़ा सा वो पता हूँ मैं क्या हुआ हाँ हाँ ये ये बहुत क्लम्सी है ये बहुत क्लम्सी है सो इसके साथ कोई भी सीन करता हूँ अगर साइकिल का सीन है तो ये मुझे साइकिल मार देती है अगर इसके हाथ में टूल है तो मेरे को टूल मार देगी वो तो इसके हाथ में जो भी रहा या फिर कुछ भी करेगी तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है तो हमारा प्रपोजल सीन था पूल के एकदम कॉर्नर में जहाँ पे इसे गिरती है और मैं उसको पकड़ता हूँ एकदम पूल के कॉर्नर में मैंने सर को देखकर बोला सर ये गिराएगी मुझे पूल में मैं अगर ये मुझे गिराएगी सर मैं धक्का मार दूंगा मैं हट जाऊंगा मुझे तैरना नहीं आता है पानी से तो मैं बोला कि सर मैं रुकूंगा ही नहीं तुझे तो ये रिहर्सल में ही गिर गई लेकिन पानी में नहीं एकदम पानी के कॉर्नर में मैं छोड़ दिया बोला सर मैं नहीं कर रहा सर
क्योंकि ये हर बार वो कुछ गलत ही कर रही थी एंड लिटरली मैं फ्लोर पे थी ऐसे, हाँ फ्लोर पे से लेटी हुई है और मैं चला गया वहाँ से, मतलब सर मैं नहीं कर, सर मुझे नहीं, सर मैं डर लग रहा है, मैं नहीं करूँगा, पानी से डरता है। तो वो एक अच्छा सीन था, बहुत मेमोरेबल सीन था, रात मतलब इवनिंग में शूट हुआ जब सब चले गए थे। मेरे लिए ना अभी का जो सॉन्ग था ना, दैट वाज बेस्ट था मेरे लिए। अभी का जो सॉन्ग जो कल शूट हुआ है, माना के परसों शूट हुआ है, माना के हम याद नहीं, वो बहुत अच्छा शूट हुआ और बहुत अच्छे तरीके से शूट हुआ है, उसमें रोमांस दिखा है हमारा। ये एक अलग सनन का फेस देखने मिलने वाला है आगे ऑडियंस को, तो यस। Weird, yeah. Sleeping, सोती रहती है। Weird क्या है उसमें? Weird नहीं है, मतलब सेट में 10 मिनट का ब्रेक दे दो तो ये कहीं कहाँ है नंदिनी, और नंदिनी वहाँ खराटे मार रही सो रही है। ए पारस, ऐसे एक दो बार हुआ रहेगा। नहीं लेकिन यार मैं तो 15-20 वीडियो बनाया है सोने के। Weird क्या यार? इसका weird habit की ये नहीं है यार, इसमें कोई weird habit नहीं है। यार अब क्या करेंगे यार, तो ना वियर्ड है ये मेरी फोन से। आई टेल यू ऑल गाइस, ये मेरा फोन लेता है, उसको अनलॉक करता है, कभी तो इसने पता नहीं अपना ही बर्थडे डालने की कोशिश की कि ये मेरा मेरा बर्थडे, इसका पासवर्ड तो नहीं है, तेरा बर्थडे मेरा पासवर्ड कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद खोलता है ये, मेरे इंस्टाग्राम पे जाता है, फिर लोगों को DM करता है, हार्ट्स एंड ऑल ला 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 ला, ऐसे बहुत मिस्चीवियस है गाइस ये। एंड हाँ तो वो उसका weird habit है, cute habit है। I would just like to say that आप लोगों ने इतना प्यार दिया सनन को, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि हर जगह हैशटैग सनन चल रहा है, लोग कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि हमें सनन की पिक्चर्स देखनी है, हमें सनन के मोमेंट्स देखने हैं, हमें सीन्स देखने हैं सनन के, तो दैट्स वेरी गुड टू हियर, यू नो, सुन के भी अच्छा लगता है कि यार लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप सबके लिए आने वाला है आगे के वीक में, या फिर 10 दिन बाद आपको एक अलग ही स्टोरी देखने मिलेगी सनन की, तो ये सनन फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, सो जस्ट वेट फॉर इट एंड लव यू ऑल। सेम थिंग आई गेस पारस सेड इट ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव, इतना प्यार दे रहे हैं। आई सी ऑल द एडिट्स, मैं कभी कभी पारस को भी दिखा देती हूँ अगर उसने मिस किया है कोई एडिट, तो वी जस्ट लव वॉचिंग, इतना आप मेहनत करते हो हमारे एडिट्स पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। आई मीन एक पिक्चर डाली तो उसके ऊपर यू नो इतने सारे एडिट्स बन जाते हैं। आई मीन आई रिमेम्बर हम लोग ने एक ग्रुप फोटो डाली थी कल, एंड लोगों ने उसका हम दोनों को अलग अलग करके एक टुगेदर फोटो, दे एक्चुअली वॉन्ट अ पिक्चर इन आर दिस आउटफिट ऑल्सो, सो इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच। टैकल तो कर लेंगे, ऑब्वियसली देयर शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन रील एंड रियल लाइफ। अब जो रियल होता है वो ऑडियंस को समझना चाहिए कि दैट्स अ पर्सनल स्पेस, दैट्स अ कंप्लीट पर्सनल स्पेस, और जो आप यहाँ देख रहे हैं दैट्स अ रियल लाइफ, जो हम लोग बखूबी यू नो अपना 100% दे के निभा रहे हैं, तो वो रियल ही लगता है मोस्टली लोगों को, लगता है कि ये सच है, बट जो स्क्रीन पर हो रहा है वो रियलिटी तब तक अच्छी लगती है जब तक वो शो ऑन स्क्रीन आधे घंटे के लिए चलता है, उसके बाद देयर इज अ पर्सनल लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी एक्टर। आई थिंक दैट पीपल शुड बी यू नो रिस्पेक्टिंग ऑल द एक्टर्स लाइफ, क्योंकि एक्टर्स भी नॉर्मल ह्यूमन बींग ही होते हैं, सो आई वुड जस्ट नॉट सजेस्ट एनी वन टू यू नो ट्रोल एक्टर्स एंड एनी वन यू नो आपके पर्सनल लाइफ में आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हर किसी के अपने सजेशंस होते हैं, हर किसी के अपने यू नो हक होता है कि अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिए, तो give space, yeah. That's it, same thing. Okay. I agree. So on this note, thank you so much for the interview. Thank you so much. Hi, I'm Anagha Bhosle and you all are watching us on Glitz Vision USA. Hi, this is Paris Kalnawat and you're watching us on Glitz Vision USA.